हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले गणेश जी का फेवरेट मोदक, मावा केसर पिस्ता मोदक, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही बढ़िया उन चीज़ों से बनाएंगे जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। उसके लिए मैंने लिया आधा कप शक्कर, 1/4 कप खोबरा घी से डेसिकेटेड कोकोनट, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है किशमिश, काजू, बादाम, इलायची, केसर और यह है पिस्ता। उसके अलावा 1 लीटर शुद्ध गाय का दूध है, ये गाय का दूध है। सबसे पहले हम लोग केसर को दूध में भिगोएंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लेंगे। मैंने एक पैन लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। ये 250 ml वाला कप है तो इससे मैंने 4 कप दूध लिया है, मतलब पूरा 1 किलो दूध है। अब ये दूध को मैं गैस के ऊपर रख कर सबसे पहले मैं एक बॉयल आने दूंगी। आने के बाद गैस का फ्लेम स्लो करके बीच बीच में मिलाते हुए इसे मावा बनते तक पकाऊंगी। मावा मैं दूध से बना रही हूँ, आप चाहो तो मार्केट का भी मावा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मार्केट का मावा इस्तेमाल करोगे तो मोदक और भी ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। अब मैं बीच बीच में चलाते हुए मैं इसे पका रही हूँ। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया है, या तो आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करना या लोहे की कढ़ाई या जो भी मोटी तले की कढ़ाई हो उसका इस्तेमाल करना, और बीच बीच में चलाना है, अदरवाइज दूध जल जाएगा और उसमें से स्मेल आएगा। अब मैंने इसे चलाते हुए 1/4 कप होते तक पकाया, मतलब ऑलमोस्ट मावा बनते तक पकाया है। अगर इसे थोड़ा और ज़्यादा पकाऊंगी तो ये जम के एकदम परफेक्ट मावा बन जाएगा, बट हम लोग इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर मैंने आधा कप डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, कम या ज़्यादा कर सकते हो। शक्कर डाल के मैं इसको मिलाऊंगी। शक्कर डालते साथ मावा हमारा थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध, थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है, एक साथ नहीं डाला है। हमें देखना है, अगर बहुत ज़्यादा कलर रहेगा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा केसर वाला दूध डाल दिया। डाल के इसे बीच बीच में चलाते हुए मैंने पकाया है एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में। अब हमारा मावा परफेक्ट रेडी है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब ये ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये गाढ़ा हो जाएगा। अब मैंने इसमें डाला है इलायची, इलायची डाल के एक बार और मिक्स कर लिया। मिक्स करके अब मैं इसको गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये केसर मावा मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है, आप इसे बना के ज़रूर देखना। इसका टेस्ट भी मावा पेड़ा जैसे ही है, पर इसमें हम लोग ड्राई फ्रूट का स्टफिंग कर रहे हैं तो उसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। अब मैंने उसे ठंडा होने रख दिया। एक प्लेट लिया है, उसमें मैंने डाले हैं सबसे पहले बारीक कटे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये सारी चीज़ें मैं स्टफिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डायरेक्ट मावा से भी बना सकते हो। अभी मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जितना शुगर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो, बट ये डालने से हल्का सा मीठा बनाएगा। हमारा मावा भी ठंडा हो गया है एकदम जमने वाली कंसिस्टेंसी में, आप देख सकते हैं इसका एकदम पेड़ा भी बन सकता है। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में, निकाल के एक प्लेट में रखूँगी। रख के अब हम बनाएंगे हमारे मोदक। अब मैंने लिया है मोदक बनाने का साँचा, उसमें मैं हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। घी से ग्रीस करने से मोदक निकालने में आसानी होती है। अब मैंने थोड़ा सा मावा का बैटर लिया है जिसको हमने बना के रखा था, उसको मैं मोदक के साँचे में रख रही हूँ। तीनों साइड में मैं थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ। रख के अब मैं इसे बंद करूँगी। बंद करने के बाद उंगली से अच्छे से दबाते हुए साँचे में अच्छे से उसको चारों तरफ फैला दूँगी ताकि मावा अच्छे से साँचे में फिट हो जाए। उसके बाद उंगली से थोड़ा सा गैप करके उसके बीच में मैं भर रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसे हमने अभी सारी चीज़ें मिक्स करके बना लिया था। अब ऊपर से थोड़ा सा और मावा लेके मैं उसे बंद कर रही हूँ। बंद करके अब मैं साँचा ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से हमारे मावा केसर मोदक बन के रेडी है। मैं इसे निकाल के रख रही हूँ प्लेट में। मैं एक और बना रही हूँ। मैं थोड़ा सा हमारा मावा लेके साँचे में तीनों जगह थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा रख के अब मैं हमारा साँचा क्लोज कर दूँगी, बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद उंगली से दबाते हुए थोड़ा सा स्पेस भी बनाऊँगी और चारों तरफ अच्छे से फैला रही हूँ। उसके बाद ड्राई फ्रूट का स्टफिंग इसके अंदर भर के थोड़ा सा और मावा लेके ऊपर से मैं कवर कर रही हूँ। कवर करके इसे खोल रही हूँ। बस हमारा एकदम परफेक्ट शेप में मोदक बन के रेडी है। ऐसे साँचे मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे मोदक बना के रेडी कर लूँगी। हमारे सारे मोदक बन गए। अब मैं इन्हें डेकोरेट कर रही हूँ चांदी की कवर से। ये वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, बट चांदी की कवर से डेकोरेट करने से ये एकदम मार्केट वाले मोदक लगते हैं, जिस तरीके से हम लोग स्वीट शॉप से खरीदते हैं। अब सारे मोदक बन के रेडी है। मैं लगा रही हूँ गणेश जी को भोग। आप भी ये मोदक बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।